इंजन कौन सा, तो शादी है चेक करो एस क्लास कैपर फॉर यू। जो वैरायटी अभी तक दुनिया में किसी ने लगाई हुई सैंपल जो हमने परसों तैयार करवाया और ये वो वाला जो अभी हमने तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम फोर के की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और अभी मौजूद हूं मैं कंबल में क्योंकि उस ताजी ठंड पैगी सोनिया, सर्दियों का मौसम आ चुका। आप रात के वेले बाहर जाएं तो आपकी वैसी कुल्फी बन जाएगी और अभी मैं अपने शायद तख्त के ऊपर लम्बा पैर के अपने आप को कंबल में लपेट के इंजॉय कर रहा हूं, लेकिन अभी हमें अपने आराम के अंदर गुस्ताखी करनी पड़ेगी और यहां से हम सीधे जाके बजेंगे जी फोर के गैराज पे। अब हम फोर के गैराज क्या करने जा रहे हैं, तो ताजी बहुत सारे काम है जो कि आज हमने जाके सारे के सारे निपटाने हैं। सबसे पहले हमने जाके शेयरिंग किंग फ्रॉम फोर के गैराज की टू जीजी के लिए सारे के साथ जो पेंट छिटने वाला सामान है वो हमने चुके वापस लेके आना है। पेंट कौन सा, तो वो तो मैंने आप लोगों को वैसे ही पिछले वीडियो में दिखाए थे, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। चेक करो जी हम तो शेड नजर आ रहा पिंक पिंक का पेंट वाला सारा का सारा सामान कितने का आता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों की टेंट के अंदर एक आइडिया आ जाए कि गाड़ी को अच्छा पेंट करवाने के लिए उसका सामान जो होगा कितने तक आएगा। हमने एक बड़ी बिग वैरायटी सोची हुई है जो कि हमने शेयरिंग की टू जीजी पे लगानी है। अगर वैरायटी सही बाजगी तो हम उसको बिग वैरायटी का नाम देंगे, अगर वैसा पुठी बाजगी तो हम उसे बिग चावल का नाम देंगे। अब बिग वैरायटी बचती है या बिग चावल बचती है वो हमें जाके पता चलेगा। उसके अलावा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे मंदी तैयारी की सुन ली गई है, उसकी सुनवाई होगी है, उसके लिए हम लेके आए हैं उस्ताजी फ्रेश वड्डा इंजन। इंजन कौन सा, तो उस्ताजी तुसी कमेंट सेक्शन में तुके मारो, इंजन जो भी है 18 सीसी से ऊपर वाला है। तो आइए सबसे पहले कोई जैकेट शैकेट लेते हैं जिनको हम अपने ऊपर चार चूर सके, ताकि हम अपने आप को सर्दी से महफूज रख पाए, क्योंकि अगर इस मौसम में बीमार हो गए तो उस्ताजी फुल टाइम टूना लाइफ स्टाइल हो जाना है, तो इसी वजह से एहतियात जरूरी है। और आपका भरा यहाँ पे अपने सर्दियों वाले कौमी लिबास के अंदर एंट्री मार चुका। सबसे पहले चेक करो जी, चप्पल थले सॉक्स फॉर यू, उते फ्रेश पजामा फॉर यू, सबसे उत्ते रूई वाली जैकेट फॉर यू। मौसम की सूरत हाल पे तो ताजी ठंडी ठाक हवाएं चल रही हैं जो कि जब बंदे कोई आगे बचती हैं तो उसके अंदर की पूरी रूह काम के रहती है, और जिस तरह हमें ठंड लग रही है उसी तरह ही हमारी हफ्शी ब्लैक को भी लग रही है, क्योंकि फिलहाल अपने दो जिंदों वाले कफन के अंदर दफन ही है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है हमारे राजा जी डेंटर मौके वारदात से फरार हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का जो काम शाम है सारे बीच में फंस गए। गाड़ी ना इधर की रही थी ना उधर की रही थी, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी तकरीबन कोई दो हफ्ते और चार तीन बाद हमें राजा जी डेंटर का पता चल गया। असल में उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से अपना वो मोबाइल शोबाइल बंद करके पूरी दुनिया से अपना नाता ही तोड़ के बैठ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब काफी ज्यादा सेटलमेंट हो गया, तो इंशाल्लाह दो से तीन दिन तक वो लाला जी मेरे फ्रेंड के पास आ जाएंगे कानपुर के ऊपर, और इंशाल्लाह तब हमारी गाड़ी का जो काम शाम है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो आइए गाइस जी अब्बा जी कैचर के बिच होते हैं और 16 कैबिज और चिल्ले से के साथ अपनी मर्जी की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले जी फ्रेश पूजा सिम सिम यस का टाइम स्टार्ट फॉर यू। जिस तरह मौसम ठंडा है उसी तरह हमारी गाड़ी भी ठंडी है। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं, पेट्रोल नीचता फ्रेश 2050 का डलवाना पड़ेगा, अगर गाड़ी थोड़ी गर्म शर्म हो जाए जरा गर्म शर्म एसी चलाएंगे, ये जो है ना असली पैसे इस चीज के हैं, गर्मा गर्म हवाएं आनी है यहाँ पे। 2010 द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, हम सीधा जाके फोर के गैराज उतने नमूदार फॉर यू। पर फिर आपका भरा 19.2 की एवरेज के साथ सीधा आके बजे जी फोर के गैराज की धरती के ऊपर। ये शैगी के बच्चे यहाँ रोला डा रहे हैं, और की हो गया तेनू होशिया, इसको लगता है दुख लग गया है, और समझाया अपने बच्चे नू दूसरे बच्चे के ऊपर है, दूसरा बच्चा ये चेक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारा फ्रेंड चौधरी। और आप एक चीज नोटिस कर सके हैं कि जो पिछला व्लॉग था ना वो मैंने 3 दिन पहले लगाया था, उस व्लॉग में कपड़े देख लें और ये वाले कपड़े देख लें, आपको एक भी चीज चेंज नजर नहीं आ गया। या सब गंदीला इंसान है, 3 दिन से नहाया ही नहीं और ना इसने कपड़े चेंज किए, देखें जी वही पुरानी इसने जर्सी पहनी हुई है, वही पुरानी इन्हें टोपी पुट्ठी की हुई है, वही पुरानी टैट पैंट पहनी हुई है, वही पुराने दो कुंडे वाले जूते पहने हुए इसने। भाई यार नहाते क्यों नहीं है यार, कोइंसिडेंस होता है भाई। भाई आप वाकई मरासी मान गए हैं भैया, आप वाकई मरासी मान गए हैं जी, ये सर्टिफाइड मरासी बन गया आज से। और ये आज यहाँ पे क्या करने आए हैं उस्ताजी, आज अपने पाटे फेंडर की पुटीन वाली 2000 सही करवाने आए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी हर जगह से उस्ताजी पुटीन पाटी भी है, फ्रंट फेंडर के ऊपर है, तो देखो जी पाटे फेंडर दी पुटीना फॉर यू, बैक फेंडर के ऊपर है, ये चेक करो जी एक बार फिर पाटे फेंडर दी पुटीना फॉर यू, साइड स्कर्ट पे है, ये चेक करो जी पाटे फेंडर दी पुटीना फॉर यू, इसके साइड स्कर्ट है उस्ताजी लोहे में है, जो प्लास्टिक में नहीं है लोहे में, ये देखो प्लास्टिक में होती ना तो उसने जैसी ग्रास से गाड़ी बाहर निकालती थी इसकी साइड स्कर्ट 7 अप हो जानी थी। उसके अलावा फ्रंट लिप के ऊपर है, तो ये 3 पीस लिप है, ये देखें पहला पीस दूसरा पीस ये तीसरा पीस, 3 पीस लिप फॉर यू। और ये क्या करवाने हैं तो ताजी बताओ क्या क्या करवाने आए हो? मैं बर्बादी करने आया, बर्बादी करने आया, बर्बादी करूँ, बर्बादी रिस्टोरेशन कराने लगा हूँ, जिसमें फेंडर्स की सारी दोबारा हमसे करेंगे, पेंट वगैरह शॉवर करेंगे और गाड़ी ओवरऑल शो दोबारा से सेट करेंगे। किसके लिए, पार्क फीस के लिए? इतने पैसे आए कहाँ से? रिम बेचे हैं फ्रेश 60,000 दे। ये देखें जी नौमी चौधरी के घर वालों को गोलियां कराते हुए, अम्मा को कह रहा था मैं यूनिवर्सिटी हूँ खड़ा, ये फोर के गैराज है, मुझ पता फिर, ये देखो इसकी अम्मा देख रही है अगर ये वीडियो, बांटी जी आपको बच्चा यहाँ पे फिर रहा होता है, संभालो है नू। नौमी चौधरी का यूनिवर्सिटी वाला सामान भी सारा पड़ा हुआ है, ये पहन के ये अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, इसके अलावा ये इसका बस्ता है जो ये पहन के यूनिवर्सिटी जाता है, अंदर कुछ है भी कि नहीं ना उस्ताद, वेला ही जाता लगता है, ये क्या लेके जा रहा है? पजामे साल लेके जा रहा है, गलत काम करता है यूनिवर्सिटी में। अब इसकी गाड़ी कौन कौन से काम करने, तो सबसे पहले इसके पाटे फेंडर की प्रीमियम ठीक करनी, आगे से
पीछे से अगले दोनों फेंडर हमने पेंट करने हैं, पीछे दोनों फेंडर हमने पेंट करने हैं, फ्रंट और बैक बम्पर हमने पेंट करना है। फ्रंट जो थ्री पीस वाली लिप है ये भी हमने चेंज करनी है, और इसका जो बैक बम्पर है उसमें हमने एक बिग वैरायटी लगानी है। कौन सी बिग वैरायटी? उसने वही बिग वैरायटी जो कि हमने मनी तिवारी के पिछवाड़े पे लगाई हुई है। आपको मैं नेड़े जाकर चेक करवाता हूँ। मनी तिवारी की बैक पे हमने यहाँ पर कस्टम मेड रेड डिफ्यूजर बनवाया था स्टेनलेस स्टील के अंदर, और उसके जितनी भी कटिंग शेटिंग होती है उस तारी सारी की सारी लेजर कटिंग के साथ होती है। तो यहाँ पे हमने नोमी चौधरी और मोरी गैंग की 2000 के लिए बिग वैरायटी सोची हुई है कि हम सजी और खबी साइड पे लगवाएंगे जी, और सेंटर में हम बनवाएंगे मोरी गैंग। सर यहाँ पे मौजूद है हमारे फ्रेंड गमगीन शाह, और ये आज ये अपनी 125 के साथ यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस के अलावा ये अपनी एस क्लास खैबर के साथ यहाँ पे आए हैं। ये देखें जी इनकी एस क्लास खैबर लॉन्ग चेसिस में आती है। ये इंजन भाई अंदर कौन सा है? इसके अंदर 2JZ 2JZ है, 3000 cc। आपको गाड़ी का इंटीरियर का गेड़ा करवाऊं? अंदर उन्होंने घर के सोफे निकाल के गाड़ी के अंदर फिट कर दी है, देखो नीला नीला इन्होंने काम किया हुआ है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर यू। उसके अलावा ये देखें जी मुझे ये चीज बड़े मजे की लगी है, इसमें जी लाइट जलती है, ये देखो मोबिलाइजर है। क्या बात है, ये आपने माफिया स्टाइल तैयार करवाई है। फिलहाल आपकी गाड़ी माफिया मांग रही है यहाँ पे, अभी हो रही है तैयार, अभी तैयार हो रही है इनकी गाड़ी, तैयार हो रही है। इंटीरियर के बारे में बात करें तो उस्ताद जी बड़ा कंफर्टेबल इसका इंटीरियर है। आपको जरा मैं गाड़ी स्टार्ट करके चेक करा, देखो जी यार तुम कितने पहुंच गया जी, 5000 स्टार्ट के बगैर ही। ये देखो उस्ताद जी फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू भाई, गाड़ी गर्म है, रेसा दे ला लो जी, चेक करते हैं आवाज कैसी कैसी नहीं है। वेरी नाइस उस्ताद जी, बर्नआउट मारती है, बिस्मिल्लाह कहते हैं। लो जी अब इसका बर्नआउट मार के चेक करते हैं। चल पुत्र बिस्मिल्लाह कर भैया, अगर पेट्रोल का मुंह आ गया छोड़ भी सकती है। चल पानी तो बिस्मिल्लाह कर, पीछे पीछे हो जाओ ना, पीछे देख पना पना हो जाओ उस्ताद, आपके ऊपर आ जाए ना सारा तेल, सेट हो जाओ, टायर आ गया उसके ऊपर, थोड़ा और कर, बस 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 बस, चल ओके कर। बस बहुत है, चेक करो जी टायरों की अस्थियां, शुर आओ जी जीरो काटा के लें, आ जा जीरो काटा के लें, पहले मैं ये लो जी छात्र का लो, ये हार गया, चल खेलो बन गया मामा, यू लूज टायरों की कंडीशन के ऊपर है। तो ये आप चेक करते हैं टायरों का मेकअप उतरा है, ये देखो ये जी टायरों का मेकअप उतरा ऊपर से, टायर कौन फॉर यू, ये जी हमने सारे टायर की ट्रांजिशन कर दी है स्लिक्स के अंदर। मैं आप लोगों को जरा एस क्लास खैबर का इंजन का गेड़ा करवाता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं उस्ताद जी यहाँ पे आपको 2JZ नजर आता है, NA ये टर्बो वाला सेटअप नहीं है, 2JZ GTE नहीं है, ये 2JZ NA है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। उसके अलावा ये देखो जी कि लगता है किसी जहाज का एयर फिल्टर चुके इसको लगा दिया इसने, चंगा बड़ा वड्डा एयर फिल्टर है, देखो एंज और तेरा इतना बड़ा मुंह नहीं है, तेरा तेरा बड़ा एयर फिल्टर है। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे उस्ताद जी बिग साइज ओसाका बैटरी, क्योंकि बैटरी है तो सिर्फ ओसाका। उसके अलावा ये देखें जी होता इन्होंने बड़े साफ सुथरा रखा हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने जी कस्टम हेडर्स बनवाए हुए हैं, इस साइड से 3 जा रहे हैं और उसके पीछे से और 3 जा रहे हैं, क्योंकि ये है जी इनलाइन 6 इंजन। आपके 6 सिलेंडर जो होते हैं, एक उंगल और कर मेरे साथ, आपके जो 6 सिलेंडर होते हैं वो जी ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। ये स्टॉक कितनी हॉर्स पावर बनाता है? ये 276 हॉर्स पावर बनाता है। एस क्लास कैबर फॉर यू। मन्ने तिवारी के अपडेट के उपरांत उस्ताद जी पहले हमने सोचा हुआ था कि हम गाड़ी बेच देंगे, लेकिन यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ प्लान्स, अब हम गाड़ी बेच नहीं रहे बल्कि हम इसका जो इंजन है उस्ताद जी वो हम चेंज कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो गाड़ी के अंदर इंजन है उस्ताद जी की खासियत बताएं क्या क्या है। एवरेज बहुत अच्छी है, मतलब पेट्रोल पंप के पास जाके सिर्फ सूंघती है पोयो ऑयल। उसके अलावा गाड़ी हाइब्रिड वाली गाड़ियां जो है उनको भी नो मैच मार रही है फिलहाल, ना आपको गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ना आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, ना आपको किसी की मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन उस्ताद जी गाड़ी आपकी ऐसी चलती है जैसे स्वाप का काम हो। इंजन कौन सा तो उस्ताद जी ये चेक करो, बट खपा फॉर यू अल्ट्रा नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग फॉर यू। जैसा आप लोगों को याद है इसके हम अभी तक 2 इंजन चेंज कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला D16 AA जो क्या होता है ड्यूल ओवरहेड कैम वाला इंजन, उसके बाद दूसरा इंजन हमने इसके अंदर कौन सा डाला तो D15 ड्यूल वीटेक वाला। अब हम तीसरा इंजन कौन सा इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये चेक करें निसान का ट्विन कैम 16 valve UG15। अब ये इंजन देख के आप कहेंगे क्यों जी क्यों गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये उस्ताद जी बड़ा तगड़ा इंजन है, बहुत बूता भी टायर किस्म का है, और ये हम कौन सी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हम अब्दुल्ला साहब की निसान B12 के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर भाई साहब मीटर की जगह पे पतीला पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरे इंजन के ऊपर आए तो ये आपको वो इंजन नजर आएगा जो कि चांद की सवारी करके आ चुका है। ये शहरी किंग का पुराना उड्डा हुआ 2ZZ है और उस्ताद जी अंदर से बिल्कुल खत्म है शहरी किंग के गोड्डों की तरह। उसके बाद तीसरे इंजन के ऊपर आए
तो ये है जी K20Z2 और ये हम अपनी मर्जी तैयार करने इंस्टॉल करेंगे क्योंकि उसका जी मैं तो होंडा ही लेसा ये 2000cc इंजन होता है और इसको हम ऑटो ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे विद ट्रिप्टोनिक गियर ताकि उसका जी मैनुअल का मजा भी हो और साथ में ऑटो का भी हो ऊपर भी मजा हो और नीचे भी मजा हो। ये इंजन ऑटो ट्रांसमिशन के साथ मर्जी तैयार के अंदर फिट हो पाएगा कि नहीं जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल सी की नेक्स्ट एपिसोड। मैं आप लोगों को वो वैरायटी दिखाता हूं जो कि हम शहर किंग की 2GZ पे लगाने लगे हैं और ये जो वैरायटी है उसका अभी तक दुनिया में किसी ने लगाई हुई क्योंकि इस तरह की चवियां सिर्फ हम लोग ही मारते हैं कोई और नहीं मारता। अब वैरायटी हम क्या लगाने लगे हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं आपके थले नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ जी इंडस करोला का जकूजा बम्पर ये तुम देख सकते हो दो लाइटें थे फॉग लाइटें दो फॉग लाइटें थे इसको हम कहते हैं जी जकूजा बम्पर और ये जो बम्पर है उसका जी कला बम्पर ही 45,000 का और इसको हम चुक के फिट करने लगे हैं शहरी किंग की 88 करोला के ऊपर। यहाँ से बम्पर हमने यहाँ से सारा का सारा वटना है 88 का जो जैनवन वाला होता है वो यहाँ से हमने सारा का सारा वटना है ये चुक के हमने हिस्सा इसके ऊपर फिट कर देना है और बम्पर आ चुक के हमने अपनी गाड़ी के ऊपर फिट कर देना है। नहीं हुआ अगर किसी ने किया हुआ तो हमें आगे तस्वीर दिखाए अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो फिर हमारे साथ आगे बाद में तस्वीर खिंचवा ले। फिर हम पहुंच चुके जी हसन पेंट हाउस पे और जो हमने रंग सिलेक्ट किया था उस्ताद जी उसके अंदर हमने किया जी थोड़ी बहुत चेंजेस किया किए तो जो हमारा पल था उसके अंदर हमने उस्ताद जी थोड़ी बहुत छोटी मोटी वैरायटी लगाई है ये आप चेक कर सकते हैं। पहले हमारे जो पल्स थे वो थे पिंक कलर के अब इसके अंदर हमने हल्का सा ग्रीन का शेड भी ऐड कराया हसन साहब की किताब विच बोल शर्मा क्यों रहा है अभी किसी सैंपल पे लगा के चेक करते हैं फिर देखते हैं उस्ताद जी पहले वाला सोना लग रहा था या अब वाला। शहरी किंग की 2GZ के लिए यहाँ पे हमने उस्ताद जी नवा फ्रेश सैंपल तैयार करवा लिया अभी जो पुट्टी साइड पड़ा हुआ है ये वो वाला सैंपल है जो हमने परसों तैयार करवाया था और ये वो वाला जो अभी हमने तैयार किया है अब जो पुट्टी साइड वाला ये हमने जल्दबाजी में तैयार किया था लेकिन जो आज वाला ये आज हमने फुल सब्र और तमुर के साथ तैयार किया और दोनों में फर्क चेक करते हैं उस्ताद जी देखें जी आपको यहाँ पे सारा सारा चिटा माहौल नजर आ रहा है कम टाइट नहीं इधर यहाँ पे लेकिन जो आज वाला सैंपल है उस्ताद जी देखो फिनिशिंग चेक करें आप इसकी आप इसको बिल्कुल सीधा करेंगे आपको ब्लू नजर आएगा आप थोड़ा सा पुट्ठा करेंगे आपको पिंक शेड भी नजर आएगा और साथ में आपको होला होला सा ग्रीन भी नजर आएगा दोनों मैं आपको एक साथ चुक के दिखाता हूँ ये देखो सेटिंग करने दिया एक मिनट को चले आ थोड़ा फ्लैश ऑन करो ये चेक करो ऑन ये देखें दोनों के दोनों सैंपल देखें ये बिल्कुल सीधा ये देखो जमीन आसमान का फर्क है और हमने सीधे हाथ वाला सैंपल सिलेक्ट कर लिया मेरे फिलहाल पुट्ठे आदमी है लेकिन जो सीधी साइड पे पड़ा है वो वाला हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बिल हमने यहाँ पे बनवा लिया बिल कितना है चल पुत्र यहाँ से जिन्हें अस्पताल चले तेरा गुर्दा भेज के आते हैं क्योंकि जितना बिल बन गया उस्ताद जी कम यहाँ पे बहुत खराब हो गया। इसमें क्या क्या चीजें मीजिए आई है तो सबसे पहले नाइजा की ब्लू पे हमें पड़ी है यहाँ पे 16,000 की उसके बाद जो पल्स नहीं आपको नजर आते पिंक रंग के ग्रीन रंग के ब्लू रंग वो सिर्फ और सिर्फ पल्स ही भाई साहब 27,000 के उसके बाद थोड़ा सा और थले आए तो ये हार्डनर लेकर का सेट है 17,000 का ये है तो ये थिनर है नाइजा का 6,400 का ये है 2K अस्तर 7,200 का ये है देखो भाई 2,000 दिए है 3 लीटर थिनर 2,400 टोटल बिल जो है 78,300 रुपीज मतलब आप किसी का समझ लें कि बूथ का बिल मिला के सामने पेंटर साहब का बिल मिला के अपनी वर्कशॉप होने के बावजूद ये जो बिल है उस्ताद जी ये 1,00,000 रुपीज टप जाएगा ऊपर बिल मेरे हाथ में है लेकिन दिल शहरी के हाथ में है। और अगर आपको किसी किस्म का पैसा पेंट शेंट चाहिए तो आप हसन पेंट हाउस पे आ सकते हैं और अपनी गाड़ी के लिए रंगा रंग किस्म का पेंट ले सकते हैं देख लो गौर नाल। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी दिखाता हूँ जिसका फर्श अभी तक उस्ताद जी सारा का सारा 10x10 कंडीशन के अंदर है ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा उस्ताद जी जेन्युइन लोहा है इसके ऊपर लगा हुआ है सारी सारी ओरिजिनल साउंड डैम्पिंग शीट्स भी लगी हुई ऊपर और एक जरा भी यहाँ पे जंग का नहीं है। उसके अलावा जैसा आप लोगों को पता है हमारा जो प्रोजेक्ट जनाज था वो ब्रेक फेलियर की वजह से उस्ताद जी जाए कांध में वाड़ गया था तो इन भाई ने इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा फीचर रखा हुआ है कि अगर आपकी ब्रेक फेल वगैरह भी हो जाए तो आप फिर भी गाड़ी को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं उस्ताद जी ये चेक करो इसके लिए आपको थले आना पड़ेगा ये चेक करें जी फ्रेश मोरी इन्होंने की दिया फ्रेश के अंदर आपकी गाड़ी की ब्रेकें फेल होती है आपने इस तरह भाई साहब पाँव नीचे लेके जाना है रोड के ऊपर अपना पाँव लगा के आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। ये जो फीचर है ये बहुत कम गाड़ियों के अंदर आया है स्पेशल एडिशन गाड़ी है अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो आपको 1-2 करोड़ के अंदर ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन आपको पता है इस तरह के जो फीचर है बहुत कम गाड़ियों में आते हैं तो जिनको इस गाड़ी की वर्थ के बारे में पता है सिर्फ वो कॉन्टेक्ट करें चस्का पार्टी में से दूर दूर है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़।